गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नरेशन का पार्ट सेकंड। और इस पहले हमने पहले वाले वीडियो में अफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस में सेंटेंसेस पढ़े थे। आज हम नरेशन का सेकंड टाइप जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे हर टाइप के सेंटेंस के कुछ ना कुछ रूल होते हैं, वैसे ही सेम रूल्स इन इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस के हैं। फर्स्ट देखिए, इसमें चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, हम रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए, जब जो भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव टाइप होगा, इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क, तो उसमें जो चेंज होगा, फर्स्ट चेंज हमें यह ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज होगा उनमें फर्स्ट है सेड टू चेंज इनटू आस्क या फिर इंक्वायर्ड ऑफ, इन दोनों में से एक में चेंज होगा। और या फिर अगर से होगा तो फिर वो आस्क में चेंज होगा, इसी तरह सेज होगा तो वो आस्क में चेंज हो जाएगा, सैड होगा वो आस्क में चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था फर्स्ट रूल। अब इसी के इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस का सेकंड रूल है कि जैसे इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस में जब मैंने आपको टेंस पढ़ाए थे या फिर मैंने इसका अफर्मेटिव टाइप पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस होते हैं टू टाइप से बनते हैं, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब टाइप, एक होता है डब्ल्यू एच वर्ड टाइप। तो हेल्पिंग वर्ब वाला यदि सेंटेंस हमारे पास आता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, तो इसमें इफ या वेदर ये जो है कनेक्टिव का काम करेगा। इसी तरह यदि डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, तो उसमें वो डब्ल्यू एच वर्ड ही इंट्रोगेटिव या कनेक्टिव का काम करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हम डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट है हेल्पिंग वर्ब टाइप। तो देखिए इसमें जैसे सेंटेंस अगर हम बात करें, तो जैसे सेंटेंस है हमारा हरी सैड टू मी, आर यू रीडिंग ए बुक। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ देखा कि हमारा जो सेंटेंस का एंड है वो क्वेश्चन मार्क से हो रहा है। और दूसरा कि इसमें देखिए ये जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि टू टाइप के सेंटेंसेस इसमें होते हैं, एक तो देखिए यहां से लेके यहां तक ये जो पार्ट होता है, टू पार्ट इसमें होते हैं टोटल सेंटेंस में, ये जो पार्ट होता है ये पार्ट हमारा कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो सेकेंड पार्ट होता है ये हमारा कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए सबसे पहले हम ये जो पार्ट है इसको देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका एंड जो है वो क्वेश्चन मार्क से हो रहा है, और इसकी जो स्टार्टिंग है रिपोर्टेड स्पीच की वो हमारी हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। तो इट मीन्स कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस टाइप का है, हेल्पिंग वर्ब टाइप है। अब इस हेल्पिंग वर्ब टाइप में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस वर्ब में हम चेंज करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, हरी आस्क्ड मी। अब दूसरा ये कि हेल्पिंग वर्ब में कनेक्टिव कौन होता है, इफ या वेदर, तो हमने लिख दिया इफ। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखिए इस वाले सेंटेंस में ये जो हेल्पिंग वर्ब के बाद का जो सब्जेक्ट है इसको हम देखेंगे, ये किस कौन सा पर्सन है, ये है हमारा सेकंड पर्सन। तो देखिए स्टूडेंट, जब मैंने स्टार्ट किया था इस टॉपिक को तो मैंने आपको बताया था कि थ्री टाइप के पर्सन होते हैं, उनमें ये जो यू होता है वो सेकेंड टाइप का पर्सन होता है। तो यू में जो चेंज होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा मी। तो हम ये भी जानते हैं कि मी जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है, मी को कभी हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं बना सकते, इसीलिए मी का जो सब्जेक्ट बनेगा वो कौन बनेगा, आई। इसीलिए हमने इफ के बाद क्या लिखा, आई। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जो वर्ब में चेंजेस है वो हम देखेंगे। तो आर हमारी, ये तो सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, इसका हमारा वर्ब कौन सा है, आर रीडिंग, यही तो वर्ब है, ये वर्ब का फंक्शन कर रहा है। तो अब इसमें इज आर एम जो होता है वो किस में चेंज होता है, वो इस वर्ब में चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। तो देखेंगे हम यहाँ आई के अकॉर्डिंग जो इज आर एम है वो किस में चेंज होगा, वो इस वर्ब में। तो आई के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, वोज, और बाकी ये जो रीडिंग हमारी मेन वर्ब है आई एन जी है जो उसमें सेम ये भी ये रहेगा, और आगे है ए बुक, तो एज ए ऑब्जेक्ट तो बुक रह गया। तो ये हमारा सेंटेंस चेंज हो गया डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब देखिए इसी में सेकंड टाइप का हमारा, देखिए एक एग्जांपल मैंने वो लिया है, लिखा हुआ है सी सैड टू हरी, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिए वही देखेंगे क्वेश्चन मार्क है। ओके, एंड क्वेश्चन मार्क की जो ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो किससे हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। डू क्या है, डू है, डिड है, डज है, ये सारे हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। तो ये जो डू हेल्पिंग वर्ब है इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब टाइप हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमें बनाना है। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग सैड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क में। तो यहाँ पे हो गया सी आस्क हरी, और वही कनेक्टिव कौन आ जाएगा, इफ।
ओके स्टूडेंट्स, तो इफ हमारा कनेक्टिव आ गया, अब इस रिपोर्टेड ये जो स्पीच है इसका सब्जेक्ट देखेंगे कौन है, यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, हरी। जब हमने एक बार यहाँ हरी लिख दिया तो दूसरी बार ये तो नाउन हो गया, अब जब इसको प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे तो क्या आएगा, हरी की जगह ही, तो हमने इसके बाद क्या लिखा, ही। अब देखिए डू और जो डज होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, तो वो वर्ब के सेकंड फॉर्म में चेंज होते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे अंडरस्टैंड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमारी वर्ब कौन सी है, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये किसमें चेंज हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड एंड इंग्लिश का एज ए ऑब्जेक्ट, तो इंग्लिश हमारा आ गया। और उसके बाद ये जो मार्क होते हैं, क्वेश्चन मार्क है या डबल कोमा है, ये सारे रिमूव हो जाते हैं, उनकी जगह फुल स्टॉप आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हम आगे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसको ज्यादा क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल हमने और देखा, और वो हमारा एग्जाम्पल है जैसे रिया सेड टू मी Did you not call me? Okay, तो इसमें भी देखिए वही क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है, और इसकी जो स्टार्टिंग हो रही है वो किससे हो रही है, हमारी हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। जब ये हेल्पिंग वर्ब डिड नोट कॉल, ये हमारी वर्ब है इस रिपोर्टेड स्पीच में। तो देखिए इसमें हम देखेंगे वही सैड टू इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब टाइप है, तो सैड टू तो आस्क में चेंज हो गया, तो रिया आस्क्ड मी इफ एज ए कनेक्टिव, और उसके बाद में रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, यू, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, मी हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, कभी सब्जेक्ट के रूप में इसको हम रेफर नहीं कर सकते, इसलिए मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई, तो हमने यहाँ लिखा आई। उसके बाद हमें ये देखना है कि ये जो हमारी वर्ब आ रही है इस रिपोर्टेड स्पीच में ये क्या है, तो ये है डिड नोट कॉल। ओके स्टूडेंट्स, जो रूल्स मैंने चेंजेज इन वर्ब्स बताए थे उनमें बताए थे मैंने, डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हमेशा किस में चेंज होगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। तो देखिए अगर यहाँ हमारा हो जाएगा आई सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा आई, उसके बाद हैड, फिर यहाँ नोट है नेगेटिव है तो यहाँ भी नोट आ जाएगा, वही कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। और देखिए ये जो पर्सन है कौन सा, ये जो प्रोनाउन हमारा आया है इसमें देखिए ये कौन सा पर्सन होता है, ये फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो देखिए ये फर्स्ट पर्सन मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिया के अकॉर्डिंग, तो रिया के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये क्या किस में चेंज हो जाएगा, हर में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ ही होता, मान लीजिए राम होता, श्याम होता, तो यहाँ ये जो मी है वो इसमें चेंज होता, हिम में चेंज होता, क्योंकि स्टूडेंट्स हम भी जानते हैं क्योंकि हिम और जो हिज होता है, हिम और हिज जो दोनों होते हैं, इनमें हमें हमेशा ये बात हमारे माइंड में रखनी होगी कि हिज जो है वो हमेशा अपने बाद क्या ले सकता है, ऑब्जेक्ट लेता है, लेकिन हिम अपने बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेता। इसी रूल के अकॉर्डिंग यदि यहाँ पे मी होता और यहाँ राम होता, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ हिम आता ना कि हिज। कई स्टूडेंट्स ये मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे लास्ट में क्या कर देंगे, हिम की जगह हिज कर देंगे, जबकि ये सेंटेंस हमारा हिज लिखने पर रॉन्ग हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आगे मैंने लिखा है नोट। अब देखिए इस नोट में मैंने क्या लिखा है, देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है ओनली वेदर इज यूज्ड एज ए कनेक्टिव, यानी जब हम सेंटेंस बनाते हैं इंट्रोगेटिव टाइप, तो उसमें मैंने ये बताया था कि कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर दोनों यूज किए जा सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा ओनली वेदर इज यूज्ड एज ए कनेक्टिव, यानी वेदर को हम कनेक्टिव के रूप में तभी यूज कर सकते हैं इफ द क्वेश्चन इन रिपोर्टेड स्पीच शोज एन अल्टरनेटिव यूजिंग ओर। तो देखिए ये मेन चीज हमें ध्यान रखनी है, मेन फोकस इस पे करना है कि यदि डायरेक्ट सेंटेंस की डायरेक्ट स्पीच जो आती है उसके सेंटेंस में यदि क्वेश्चन में ओर आ जाता है, और ये जो वर्ड है ये आ जाता है, तो हमें कनेक्टिव के रूप में इफ का यूज ना करके वेदर का यूज करना होगा, वेदर का यूज करना होगा। जैसे मैंने सेंटेंस यहाँ लिखा है एग्जांपल के लिए लिखा है ही सेड मी आर यू गोइंग विद मी और नॉट, ये देखिए जो मैं यहाँ और आया है इसकी वजह से हमें कनेक्टिव क्या यूज करना होगा, इफ की जगह वेदर यूज करना होगा। तो देखिए इसमें मैंने लिखा है ही, वही रूल फॉलो होंगे, बाकी सैड है तो आस्क में चेंज हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, अब इफ की जगह हम यहाँ क्या यूज करेंगे, वेदर। अब देखिए बाकी सेम वही रूल है, यही वही सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, मी यानी आई, तो आ गया आई, अब इज आरम चेंज इन टू, तो आ जाएगा आई,
आई के बाद देखिए इज आरम जो होते हैं वो वॉज वर्ब में चेंज हो जाते हैं, तो आई के अकॉर्डिंग आ गया वॉज, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, तो गोइंग का गोइंग आ जाएगा विद, अब ये विद एज ए प्रीपोजिशन यहाँ आ जाएगी। उसके बाद देखिए विद के आगे क्या आया हुआ है, मी, ये जो हमें यहाँ फोकस करना है, मी कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो अब सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ क्या जाएगा विद हिम और नोट एज ए अल्टरनेटिव। यहाँ भी हम क्योंकि यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसका एक तरीके से एंड ही हो रहा है और इसके बाद कभी भी हिम हिज और नॉट ऐसा हम नहीं लिख सकते, हमें यहाँ मी की जगह हिम ही यूज करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मैंने सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है, व्हेन यस और नो इज यूज्ड एज एन आंसर, यानी जब यस और नो टाइप का नो टाइप के सेंटेंस हो तो उनमें किसमें, इन द रिपोर्टेड स्पीच में, तो हमें यस कैन बी चेंज इनटू सब्जेक्ट प्लस रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, तो यस जो होता है उस टाइप के सेंटेंस को हम इस तरह से बनाते हैं, एंड नो कैन बी चेंज इनटू सब्जेक्ट प्लस रिप्लाइड इन नेगेटिव, तो इस नो होने पर हम इस तरह से इसको बनाते हैं। तो देखिए मैंने सेंटेंस लिया है, आई सेड टू हितेश डू यू नो गुजराती, हितेश सेड यस, अब देखिए इस टाइप का सेंटेंस यस, तो इसमें हमें इस स्ट्रक्चर का फॉलो करना होगा, बाकी सेम वही रूल रहेंगे जैसे कि पहले वाले। तो स्टूडेंट देखिए पहले वाले रूल्स के अकॉर्डिंग आई है हमारा सब्जेक्ट और सेड टू है वो आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, तो इसमें बना आई आस्क हितेश, फिर ये वही हेल्पिंग वर्ब टाइप हमारा सेंटेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब टाइप है तो कनेक्टिव है हमारा इफ आ जाएगा, तो इफ, अब देखिए इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का वो यू है, तो यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, हितेश, तो हितेश यहाँ फर्स्ट टाइम हमने लिख दिया, तो दोबारा तो हम इफ के बाद हितेश नहीं लिख सकते, तो हितेश एज ए नाउन है तो इसको जब हम प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो ये ही में चेंज हो गया, तो आ गया इफ ही। अब देखिए वर्ब में जो चेंज है उसमें हमारे सेंटेंस में लिखा है डू नो, यानी डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू वर्ब सेकंड फॉर्म, तो उसमें वर्ब आ गई हमारी इसकी सेकंड फॉर्म नो की न्यू, अब गुजराती एज ए ऑब्जेक्ट है तो हमने यहाँ गुजराती के बाद फुल स्टॉप लगाया, फिर आगे लिखा हुआ है सेंटेंस पे हितेश शेड यस, तो इसमें वही स्ट्रक्चर बन जाएगा जो भी मैंने आपको रूल में बताया, सब्जेक्ट प्लस रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। ओके, तो सब्जेक्ट कौन है हमारा, हितेश, तो हमने लिखा हितेश रिप्लाइड, सेड चेंज इनटू रिप्लाइड, हितेश रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। ओके स्टूडेंट्स, एंड बाद में लास्ट में हमें दोबारा फुल स्टॉप यूज करना है। ऐसे ही देखिए नो का नो टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आई सेड टू रितेश आर यू गोइंग टू दिल्ली, रितेश सेड नो, ये जो नो आया है इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो भी मैंने आपको रूल बताया है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए आई है तो हमने आई एज ए सब्जेक्ट लिखा, सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड, रितेश है, रितेश आ गया एज ए ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद देखिए हम इस जब सेंटेंस को देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमारा जो कनेक्टिव होगा वो इफ आ गया। ओके, अब उसमें ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वही हम देखेंगे दोबारा, तो यू है, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, रितेश, तो रितेश जब हमने एक बार लिख लिया रेफर कर लिया तो दूसरी बार हम यू की जगह रितेश को नहीं लिखेंगे, बल्कि ये जो नाउन है रितेश इसको हम प्रोनाउन में चेंज करेंगे, तो हमने यहाँ लिखा ही। अब देखिए वर्ब में चेंज हम देखेंगे, इज आरम चेंज इनटू वॉज वर्ब, तो ही के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी हमारी वॉज, गो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गोइंग टू दिल्ली फुल स्टॉप, फिर वही नो जो हमारे क्वेश्चन में है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस रिप्लाइड इन नेगेटिव, तो आ गया सब्जेक्ट कौन है, रितेश, तो हमने लिखा रितेश, सैड चेंज इनटू रिप्लाइड इन नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट में हमने दोबारा फुल स्टॉप यूज कर दिया। ये तो हो गए हमारे फर्स्ट टाइप के यानी हेल्पिंग वर्ब टाइप के इंट्रोगेटिव डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। अब देखिए डब सेकंड जो टाइप है वो हम हमारा डब्ल्यू एच वर्ड टाइप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जानना जरूरी है कि डब्ल्यू एच वर्ड में कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे डब्ल्यू एच वर्ड में आता है हमारा व्हाट है, हु है, विच है, व्हेन है, वेयर है, हु है, हुम है, व्हाई है, हाउ है, एक्सेट्रा। ओके, तो देखिए इसी रूल के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन है कि आई सेड टू हर, ओके, हु आर यू। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें हमने ये जो हु आर यू इसको देखेंगे इंट्रोगेटिव टाइप है, लेकिन जब हम इस स्टार्टिंग को देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच की तो इसमें देखिए
हू आया हुआ है, मतलब ये डब्ल्यू एच वर्ड है, तो इसी रूल के अकॉर्डिंग कि वो डब्ल्यू एच वर्ड ही कनेक्टिव का काम करता है, सेम वही रूल है। तो आई और उसके बाद देखिए आई, उसके बाद लिखा हुआ है सेड टू चेंज इन टू आस्क्ड, हर ऑब्जेक्ट आ गया, ये डब्ल्यू एच वर्ड है, यही हमारा कनेक्टिव का काम करेगा। तो इसके नीचे हम कनेक्टिव भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारी, इसका जो सब्जेक्ट है वो हम ढूंढेंगे, कौन है यू, यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन है हर, तो हर तो ऑब्जेक्ट का काम करता है, जब इस हर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो किस में चेंज होगा, सी में, तो हु के अकॉर्डिंग बाद क्या आ जाएगा, सी, हर के अकॉर्डिंग आ गया सी। अब देखिए ये जो वर्ब है हमारी आर, इज आर हम चेंज इन टू वोज वर्ब, तो सी के अकॉर्डिंग आ गया वोज एंड फुल स्टॉप। और ये जो क्वेश्चन मार्क है या कोमा है ये सारे रिमूव हो जाते हैं, फुल स्टॉप आ गया। अब इसी तरह देखिए अगला हमारा सेंटेंस है, ही सैड टू मी वेयर डू यू लिव क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें हम देखेंगे लास्ट में इंट्रोगेटिव टाइप है, अब वही स्टार्टिंग इसकी देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच की, तो डब्ल्यू एच वर्ड से, डब्ल्यू एच वर्ड कौन है वेयर, तो इस रूल के अकॉर्डिंग देखिए क्या बनेगा, ही सैड टू चेंज इन टू आस्क्ड वेयर। अब देखिए इसमें इसके बाद देखिए इसका हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे इस रिपोर्टेड स्पीच का, सब्जेक्ट कौन है यू, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है मी, मी तो ऑब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन जब हम मी को सब्जेक्ट में बनाएंगे तो क्या बनेगा आई, तो आ गया वेयर आई। अब देखिए वर्ब में चेंज देखेंगे, डू प्लस लीव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारी वर्ब है ओके, तो इसमें चेंज करेंगे तो डू, वही मैंने बताया था डू प्लस डज, डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाती है रूल्स के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा वेयर आई लीव एंड लास्ट में हमें फुल स्टॉप लगाना ही है। इसी तरह देखिए एक एग्जाम्पल और सॉल्व किया है मैंने, ही सैड टू मी वाई डिड यू कम टू मी। अब इसमें देखिए वही लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद में इसकी स्टार्टिंग देखेंगे तो ये डब्ल्यू एच वर्ड से हो रही है, वाई से हो रही है, तो कनेक्टिव कौन रहेगा, वो वाई ही रहेगा। अब देखिए ही सैड टू चेंज इन टू आस्क, ही आस्क्ड मी वाई, अब इसमें सब्जेक्ट देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच का यू, वही सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है मी, तो मी को हम किस में चेंज कर देंगे आई में एज ए सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ लिखा आई। अब देखिए डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज इन टू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, चेंज इन वर्ब्स के अकॉर्डिंग, तो इसमें हो गया वाई आई हैड कम टू। अब देखिए कम टू, अब देखिए ये वापस प्रोनाउन आ गया हमारा, ये कौन सा पर्सन होता है मी, मी फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है ही, तो ही के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा हमारा मी हिम में, लास्ट में हम फुल स्टॉप यूज कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।